हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो उसे आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप 6q+1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 6q+3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 6q+5 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जहां पर q के बारे में बताया गया कि कोई इंटीजर है, अब जैसे अगर आप q की वैल्यू 1 यहां पर पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 1 दैट इज 6 + 1 कितना है 7। तो 7 क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर आप q की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 = 1 = 13। 13 भी क्या है, आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। वैसे यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो मतलब वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है या इसकी वैल्यू है या इसकी वैल्यू है, वो सब आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही मिलेगा। तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे प्रूव होगा। इसे प्रूव करने के लिए हम हेल्प लेंगे EDL, यूक्लिड्स डिविजन लेमा की हेल्प लेंगे। अब यूक्लिड्स डिविजन जो लेमा है उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हों ए और बी, और ए बी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि ए जहां पर है वो बी से बड़ा है, कोई तो बड़ा होगा इन दोनों में, तो हमने सपोज कर लिया कि ए बी से बड़ा है। देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट। देखिए स्टूडेंट्स, हम ए बी के बीच में एक ऑपरेशन करवाएंगे। अब ये डिविजन लेमा है तो अगर हम इनके बीच में डिविजन अप्लाई करते हैं तो डिवीजन करवाने पे हमें कुछ तो क्वेश्चन मिलेगा और कुछ कोई तो रिमाइंडर मिलेगा। तो हमने कहा कि वो क्वेश्चन कितना मिला हमें क्यू और रिमाइंडर कितना मिला आर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसे हमारे पास ए और बी दो क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, जहां पर ए बड़ा है बी से, तो बड़ा आप उसको डिविडेंड कहेंगे और छोटे वाले को आप डिविजर कहेंगे। तो बी से जब आपको ए को डिवाइड करते हैं तो आपको क्वेश्चन क्यू मिलता है और रिमाइंडर क्या मिलता है, आर मिलता है। अब बी ए के बारे में हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली इनकी वैल्यू क्या है, लेकिन कुछ तो आपको क्वेश्चन मिलेगा और कोई तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो हमने सपोज कर लिया क्वेश्चन क्यू है और रिमाइंडर क्या है, आर। एक चीज और स्टूडेंट्स, कि क्यू आर के बारे में यहाँ पर होल नंबर कहा गया था और जबकि ए और बी के बारे में, ए और बी के बारे में पॉजिटिव इंटीजर कहा गया था, क्योंकि आप इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहा भी गया यहाँ पर, जब पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो ये ऑब्वियस होता है, चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा, और रिमाइंडर भी क्या होगा, आपका एक होल नंबर भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी जीरो आ सकता है और रिमाइंडर भी जीरो आ सकता है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये होल नंबर होगा, मतलब जो क्वेश्चन और रिमाइंडर होगा वो आपका होल नंबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डिविजन एल्गोरिथम होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी कि ए इज इक्वल टू डिविजर इन टू क्वेश्चन, यह क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू बी क्यू, और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर आर। तो इस डिविजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टेटमेंट आई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो रिमाइंडर होता है, अगर बी ए को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो आर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो, और अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा, बट लेस देन क्या होता है, डिविजर। तो यही बात हमने यहाँ पर कंडीशन भी लिखी है कि जहां पर आर की जो वैल्यू होगी या तो जीरो के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, बट लेस देन क्या होगी, यहाँ पर लेस देन क्या होगा, जो डिविजर आपका उससे छोटा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि हम सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन कि जिस पॉजिटिव इंटीजर को आपको ऑड प्रूव करना है, और वो भी किन किन केसेस में, कि जब उसकी फॉर्म ये आए, ये आए या ये आए, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द गिवन पॉजिटिव इंटीजर इज एन, कि हमने मान लिया कि जिस पॉजिटिव इंटीजर को हमें ऑड प्रूफ करना है, और वो भी तब प्रूफ करना है कि जबकि उसकी फॉर्म ये 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 हो, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या सपोज कर लिया, एन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एन को आपको ऑड प्रूफ करना है, लेकिन कब, ये एन आपका ऑड होगा, ये क्या होगा, एन ऑड होगा कब, जब उसकी फॉर्म क्या होगी, 6q+1, ये हो गया 6q+1, या एन आपका ऑड होगा कब, जब उसकी फॉर्म क्या होगी, 6q+3, या आपका n ऑड होगा कब, ऑड होगा कब, जब उसकी फॉर्म क्या होगी, 6q+ क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, कि हमारे क्वेश्चन जो यूक्लिड्स डिविजन लेमा होता है उसमें दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं a एंड b, ठीक है, और जहां पर आप क्या कहते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, यानी कि आपने किसी a को बड़ा सपोज किया है, तो जो बड़ा वाला होता है वो तो डिविडेंड हो जाता है और जो छोटा वाला होता है वो आपका डिविजर हो जाता है। अब यहां पर क्या है, तो जो बड़ा वाला जो डिविडेंड होता है, जो बड़ा वाला नंबर डिविडेंड होता है, उसकी फॉर्म क्या आती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आती है। यहां पर भी क्या है कि इस a के प्लेस में,
इस ए के प्लेस में आपने जो सपोज किया है, जिस पॉजिटिव इंटीजर को आपको ऑड प्रूव करना है, उसको आपने क्या सपोज कर लिया, एन, यानी कि ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एन। तो यहां पर एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो एन इज इक्वल टू तीन चीजें यहां पर देखिए, 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5 है। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे, ए इज इक्वल टू bq+r से इसको कंपेयर करेंगे, इन तीनों को कंपेयर करेंगे, तो bq+r से जब आप इसको कंपेयर करेंगे, bq+r से जब आप इसको कंपेयर करेंगे और bq+r से इसको कंपेयर करेंगे, तो यहां पर b के प्लेस में आपको क्या दिख रहा है, 6, 6 और 6, तीनों केसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को जो यूक्लिड डिविजन लेमा में ए बी दो इंटीजर होते हैं, वो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि एन तो हमने सपोज कर लिया किसके प्लेस में, ए के प्लेस में, और बी के प्लेस में क्या मिल जाएगा हमें, वो जो डिविजर है वो क्या आपका 6 है। तो अब हम लिखेंगे कि व्हेन वी डिवाइड एन बाय 6, क्योंकि ये ए हो गया और जो हमारा बी है डिविजर वो क्या है, ये बी जो डिविजर वो क्या है, 6, वी गेट क्यू एज क्वेश्चन्ड एंड आर एज रिमाइंडर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कि हमें एन के बारे में नहीं पता है कि एन एग्जैक्टली है क्या, तो अगर n को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको कोई तो क्वेश्चन मिलेगा और कोई तो रिमाइंडर मिलेगा, तो हमने q और r सपोज कर लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या यहाँ पर, ये हमने क्या किया कि n को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन q मिलता है और रिमाइंडर क्या मिलता है, r। तो यूक्लिड डिविजन लेमा से हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविजर इंटू क्वेश्चन, 6q+r रिमाइंडर। और जहां पर r की वैल्यू क्या होगी, देखिए r की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, बट लेस देन क्या होता है, b, और b यहाँ पर डिविजर था, तो यहाँ पर हमारा डिविजर कितना है, 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर r की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो r आपका 0 के बराबर हो सकता है, दूसरा r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 6 नहीं होगी, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी हो सकती है बट 6 से छोटी, तो 6 से छोटा क्या होगा, 5। तो r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक हो सकती है, 5। अभी कितने नंबर्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपके पास 6 केसेस अराइज होंगे। तो सबसे पहला जो केस होगा वो क्या होगा, जो सबसे फर्स्ट केस होगा, किस व्हेन केस फर्स्ट आप कहेंगे, केस फर्स्ट, सिंस आर इज इक्वल टू जीरो, जब आर की वैल्यू जीरो, तो अगर हम आर की वैल्यू यहां पर जीरो पुट कर देंगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 6q। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यू क्या होता है, कोई एक होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर। अगर ए और बी दोनों आपके इंटीजर हैं, मतलब अगर ये सेम भी हो गए, बाय द वे ये सेम भी हो गए, तो भी जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, या अगर ए बड़ा होगा बी से तो 0 तो होल नंबर आ नहीं सकता। तो क्यू की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी, क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब अगर आप क्यू की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर से जो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6, 1 जा 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6, 2 जा 12 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6, 3 जा 18 हो जाएगा एंड सो ऑन आएगा इस टाइप से। तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि एन की जो वैल्यूज आ रही है वो कैसे आ रही है, इवन आ रही है, कि जब एन की फॉर्म क्या होगी, 6q होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये इवन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये, अब देखिए जो दूसरा केस होगा, दूसरा केस क्या आ रहा है यहाँ पर, केस नंबर सेकेंड होगा, देखिए r इज इक्वल टू, पहले हमने कितना लिया था, 0, तो r की वैल्यू 0 ले ली, अब 1 लेते हैं, सिंस r इज इक्वल टू 1। अब अगर आप r की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6q+1 आ जाएगी। अब अगर इसमें आप q की वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, पहले आप 1 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 6, 1 जा 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो 6, 2 जा 12 1 कितना हो जाएगा, 13। जब 3 पुट करेंगे तो 6, 3 जा 18 1 कितना हो जाएगा, 19 एंड सो ऑन। तो आपने इस केस में देखा कि जब n की फॉर्म 6q+1 होती है तो n की वैल्यूज क्या आती हैं, 7, 13, 19, सारे ऑड आते हैं, ये सारे क्या आते हैं, ऑड आते हैं। तो पहली बात तो प्रूव हो गई, हमें ये प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऑड तब होगा जब उसकी फॉर्म क्या होगी, 6q+1 होगी फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली चीज तो हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई, ये वाला प्रूव हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि या तो वो 6q+3 भी हो सकता है, तो सीधे मैं अब 2 नहीं पुट करूंगा, अब आर की वैल्यू मैं 2 नहीं या 3, सीधे 3 पुट करता हूं। तो थर्ड केस अराइज होगा, केस नंबर थर्ड क्या हो जाएगा कि व्हेन आर इज इक्वल टू 3, तो आर की वैल्यू अब यहां 3 पुट करते हैं हम लोग, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6q+ कितना आ जाएगा, 3। तो इसमें आर की वैल्यू, सॉरी क्यू की वैल्यू अगर आप 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे
तो देखिए क्या क्या मिलता है आपको, एन की वैल्यू क्या मिलेगी, पहले वन पुट कर दीजिए, सिक्स वन जो सिक्स थ्री कितना हो गया नाइन, टू पुट करेंगे सिक्स टू जो ट्वेल्व थ्री कितना हो गया फिफ्टीन, फिर थ्री पुट करेंगे और एटीन थ्री कितना हो गया ट्वेंटी वन। तो अगर आप इस केस में देखेंगे तो सारे जो एन की वैल्यूज आ रही है वो सारी क्या आ रही है ऑड, तो यानी कि जब वो पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होता है सिक्स क्यू प्लस थ्री फॉर्म में होता है तो भी वो क्या होता है ऑड। तो हमारा दूसरा भी ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट वाला चेक करते हैं कि जब क्या होगा ये वाली फॉर्म होगी तो भी क्या ऑड होता है, तो अब हम क्या करते हैं सीधे आर की वैल्यू फाइव पुट कर देते हैं, अब ये नहीं रखेंगे फोर पुट नहीं करते सीधे फाइव पुट करके देखते हैं। तो केस नंबर फोर क्या हो जाएगा, केस नंबर फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जब आपने आर की वैल्यू कितनी पुट की इसमें फाइव, तो फाइव पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिक्स क्यू और प्लस कितना हो जाएगा फाइव। अब इसमें आप क्यू की वैल्यू वन टू थ्री एंड सोन पुट करके जाइए, तो जब आप एन की वैल्यू वन रखेंगे क्यू की वैल्यू सॉरी क्यू की वैल्यू आप जब वन रखेंगे तो सिक्स वन जो सिक्स फाइव कितना हो जाएगा आपका इलेवन, टू पुट करेंगे सिक्स टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व और फाइव कितना हो जाएगा सेवनटीन, फिर उसके बाद सिक्स थ्री जो एटीन और फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री एंड सोन। तो आपने इस केस में भी देखा कि एन की वैल्यूज कैसे आ रही हैं ऑड आ रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका ऑड। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब जब वो पॉजिटिव इंटीजर सिक्स क्यू प्लस वन फॉर्म में होता है, ठीक है, जब वो जो आपका पॉजिटिव इंटीजर एन सिक्स क्यू प्लस थ्री फॉर्म में होता है और जब आपका सिक्स क्यू प्लस फाइव फॉर्म में होता है, तो उस केस में वो जो पॉजिटिव इंटीजर एन है वो कैसा आता है आपका ऑड ऑड और ऑड आता है। और बाकी केसेस में जैसे सिक्स क्यू फॉर्म होगी या सिक्स क्यू प्लस टू फॉर्म होगी या सिक्स क्यू प्लस फोर फॉर्म होगी तो उस केस में क्या होगा ये इवन होगा। देखिए स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है, इसके अलावा भी किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म होती है। मैं आपको याद दिलाता हूँ एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाया था, देखिए एक क्वेश्चन हमने आपको ये सॉल्व करवाया था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ये या ये, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है तो उसकी फॉर्म ये या ये होती है। अब यहाँ भी अगर क्यू की वैल्यू वन पुट करेंगे तो फोर वन जब फोर वन फाइव हो जाएगा, यहाँ वन पुट करेंगे तो फोर वन जब फोर थ्री सेवन, तो देख रहे हैं आप ऑड आ रहा है। बस करना क्या है स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में अंतर यही होता है यहाँ पर आपको डिविजर फोर लेना था। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि लेट द गिवन पॉजिटिव इंटीजर एन बी डिवाइडेड बाई फोर, तो यहाँ पर आप कंपेयर करके देखेंगे Q का जो कॉफिशियंट है वो कितना है फोर है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि मतलब जो डिविजर है वो कितना लेना है यहाँ पे फोर लेना है। और जो हमारा आज क्वेश्चन है उसमें क्या है यहाँ पर Q के साथ मल्टीप्लिकेशन में सिक्स है, तो यहाँ पर जो डिविजर B होगा उसको क्या लेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि वेन एन इज डिवाइडेड बाई सिक्स, तो यहाँ पर डिविजर आपको सिक्स लेना है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक्जैक्टली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।